विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन वो बल और वो ताकत आप हैं। आदेश चौहान कुछ नहीं, जो कुछ है वो आप। और अभी हमारे वो कह रहे के साथ जो आपके डहरिया है, अध्यक्ष जी ने बताया, जो हमारे पूर्व विधायक है उनके परिवार ने उस डहरिया पे एंगल लगवा दिए, कब्जा कर लिया। आप बहुत लोगों को पता हो, मैं खुद गया प्रशासन, बाद में पहुंचा, पहला पिलर मैंने उखाड़ा, हमारे मेंबर साहब साथ थे उस दिन, तब वो पिलर उखड़े, ईओ को बुलाकर उखड़वाए गए। वो कब्जा करना चाहते हैं उस डेरिया में, लेकिन उस डेरिया को मैं सौंदर्यकरण करा दूंगा, ये मेरा पूरा प्रण है। जब तक हूं, अगर सरकार आई तो सबसे पहला काम होगा उसका भी। तो भाइयों, आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे तीन तीन महानुभाव आए और बड़े विश्वास के साथ आए, उस विश्वास को टूटने मत देना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जीत निश्चित है, लेकिन जीत बढ़ानी है इसके लिए इन आश्वासन आपको देना पड़ेगा। तो आप बताइए कि 60 के पार हमें जाना है, क्योंकि वो तो कहते हैं 60 विधायक आने हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जसपुर विधानसभा 60,000 के पार जानी है नहीं जानी है। तो आप हाथ उठाकर कहिए, आज 60,000 के पार हमें जाना है आपके विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत ही जोरदार तरीके से आदेश भाई ने अपने विचार रखे और आप सबने उनकी बात का समर्थन किया। आदरणीय दीपेंद्र भाई को इनवाइट एक मिनट में दो बातें कहकर कर लूं। एक तो ये कि दीपेंद्र भाई 17 वर्षों से सांसद हैं, इनके पिता हुड्डा साहब 10 वर्षों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इनके दादाजी संविधान सभा के सदस्य थे, यानी भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लिखा गया, जिसकी वजह से अगड़े पिछड़े हिंदू मुसलमान ब्राह्मण दलित सब बराबर हैं, उसमें इनके दादाजी का भी कंट्रीब्यूशन है, उनका भी योगदान है। दूसरी बात ये कि जब मेवात का मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था तो इनके दादा ने गांधी के हाथ को पकड़ा और गांधी से कहा कि मेवात का मुसलमान पाकिस्तान जा रहा है, हमें चलना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आप हमारे भाई हो, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। और गांधी और दीपेंद्र हुड्डा जी के दादाजी दोनों लोग मेवात गए और आज जो पूरा मेवात खड़ा है और मेवात का मुसलमान जो सम्मान के साथ इस मुल्क को ताकत देने का काम। जी अजान अजान अजान, एक सेकंड। Thank you.
अजान खत्म हुई और मैं जज साहब से अर्ज कर रहा था कि मेवात के जो तमाम लोग आज हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं उसमें महात्मा गांधी का और दिगंबर भाई के सागर जी का बहुत योगदान है। मैं दिगंबर भाई चूंकि समय बहुत हो गया है, मैं बहुत ही अदब के साथ उनको दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी, अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। हमारे बीच में आज जो है आप अपनी बात आपके बीच में रखी, जिन्होंने गुजरात से चलते आए नौजवान साथी हैं, बहुत संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन में और कर रहे हमारे भाई हार्दिक पटेल जी, हमारे बीच में हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जौनपुर से विधायक उत्तर प्रदेश से हमारे भाई नदीम जावेद जी, हमारे जो आपके प्रत्याशी हैं विधायक, जिन्होंने जिस जज्बे से आपके लड़ाई लड़ी है वो आप जानते हो। इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज पहचान और जिस जज्बे से वो लड़ाई लड़ रहे हैं आपका आशीर्वाद मिल रहा है। और जैसे हार्दिक भाई बता रहे थे दूर तक रिपोर्ट आ रही है, हार्दिक भाई मेरी भी ये रिपोर्ट थी। आज जब चुनाव प्रचार का फैसला करना था कौन सी सीटों पे जाएं, तो उन्हीं सीटों पे मैंने कहा जाते हैं जहां अच्छे बहुमत से जीतने वाले प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहला नंबर आया आदेश भाई का। और वैसे भी यहां पे आने का दूसरा मकसद भी और है, क्योंकि बाकी तो चलो राजनीतिक बात है, मेरे घर की बात करें, आप में से बहुत लोग जानते हैं हम भी किसान हैं, लेकिन हम उत्तराखंड के किसान हैं। बाजपुर में दादा परदादाओं के समय की हमारी सारी जमीन खेती बाजपुर में आप जानते हो। तो सरकार कांग्रेस की बनेगी उत्तराखंड में, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरे देश में ये तो बात सार्वजनिक हो चुकी है। जब सरकार बने तो हमारे भी आदेश भाई काम पड़ते हैं, हरियाणा पंजाब के बहुत से यहाँ पे लोग आके बसे हुए हैं। तो हमें पता है कि जब सरकार बनेगी तो केवल आप विधायक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बहुत बड़े मंत्री की आप भाव बनने का काम करेंगे। और जहां बनेंगे इसीलिए आदेश जी मैं आपके क्षेत्र में आया हूं,
ताकि आने वाले समय में हम जो अपने आदमी हैं उन लोगों के आपके माध्यम से कुछ काम कराएं, छोटे मोटे काम कराएं। वैसे तो आपको किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जब यहाँ से जीत के जाएंगे, वैसे तो सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ बहाओ, तो आप यहाँ से जीत के जाओगे तो राहुल जी से, प्रियंका जी से मैं भी यही कहूँगा, अगर एक मंत्री बने तो आदेश जी सबसे पहले बने। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष, हमारा पारिवारिक संबंध रहा जिनके साथ, हमारे सोनू शर्मा, जितेंद्र शर्मा जी, जनग्राम शर्मा जी के सुपुत्र है, पूर्व चेयरमैन मोहम्मद उमर जी, डॉक्टर एम पी सिंह जी, मोहम्मद अकरम जी, किसान नेता जिन्होंने बड़ा गाजीपुर बॉर्डर पे बड़ी मेहनत करी, भाई सुखबीर भुल्लर जी, इफ्तियार बबलू जी, हमारे मोहम्मदुल्ला जी जो ठाकुर द्वारा से विधायक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो आज यहाँ पे आए हमारे साथ, और भी सभी, एक एक का मैं नाम नहीं ले रहा, समय गुरविंदर भाई, सभी पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथी मात शक्ति, आज आप यहाँ पहुंचे, हमने आपने मंथन किया, उत्तराखंड में मंथन किया। अब मैं 100 बात की एक बात पूछता हूँ, जीत तो आपकी निश्चित है, लेकिन ये एक मौका है कि पूरे इस इलाके में उत्तराखंड में सबसे बड़ी जीत यहाँ से आप दे सकते हैं, पर हाथ खड़ा कर, ये सरकार, अभी सरकार का जिक्र हुआ, सरकार बनी थी बड़े बहुमत से, प्रचंड बहुमत देश ने इस सरकार को दिया, इतना बहुमत 2014 में मुझे याद है, 2014 के जब सरकार का गठन हुआ उसके बाद दिल्ली में संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी से मिलने का पहली बार अवसर मिला, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा, मोदी जी ने, हार्दिक जी आपको बता रहा हूँ आज आप यहाँ, इसलिए आप अहमदाबाद से, गुजरात से हो, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई दीपेंद्र, 2014 की बात, 15 की बात है, पहला सेशन था, बोला दीपेंद्र भाई बात ऐसी है कि जिस दिन गिनती हो रही थी तो मैं हवाई जहाज लेके अहमदाबाद से दिल्ली आ रहा था, बाकी तो सारे साफ हो गए, कांग्रेस के एक तेरी झंडी रह गई, क्योंकि एक गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक ही सीट जीते थे, खैर वो तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, चुप रहने वाला तो नहीं, जैसे उन्होंने कहा वैसे कहा, प्रधानमंत्री जी आप बुरा मत मानना, रंग में भंग करने के लिए एक ही काफी, आपका रंग भंग बिगाड़ दिया, मगर सरकार प्रचंड बहुमत के साथ, ऐसा ऐसा बहुमत, 17 साल देश की संसद में मैंने बिताए, देश से जुड़े पंचायत में, लेकिन ऐसा प्रचंड बहुमत और इस प्रकार का अहंकार उस बहुमत की वजह से, इतना घमंड की सरकार में किसी मंत्री वजीर में हमने नहीं देखा। वायदे बहुत बड़े थे, 15 लाख बैंक खाते में काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दिलवाएंगे, किसान की आमदनी को दुगना कराएंगे, महंगाई को, डीजल पेट्रोल को कम कराएंगे, अच्छे दिन लेके आएंगे। 70 साल में जो नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, 70 साल का रिकॉर्ड बनाएंगे, बना दिया, जैसे ही कहा, बाकी वायदे तो भूल गए लेकिन ये वायदा पूरा किया। 70 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई, इतना मोदी जी आपकी सरकार में, 70 साल में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी, इतना बीजेपी आपकी सरकार में, 70 साल में डीजल पेट्रोल और रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ, जितना इनका और खाद का कट्टा इतना महंगा नहीं हुआ, जितना इनकी सरकार में 70 साल में देश की सरकारी संपत्ति को इतना नहीं बेचा गया, देश के घर के गहने बेच बेच के घर चला रहे हैं, जितना इनकी सरकार में 70 साल में इतना झूठ नहीं बोला गया, लाल किले से लेकर और लाल चौक तक इतना झूठ नहीं बोला गया, जितना प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र बना दिया, जितना इनकी सरकार ने, और 70 साल में भाईचारे पे इतनी चोट, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात पात के नाम पे, 70 साल में भाईचारे पे इतनी चोट नहीं पहुंचाई गई, जितना इनकी सरकार ने, 70 साल में किसान का इतना अपमान नहीं हुआ गुरविंदर, 700-700 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी किसान आंदोलन में, 70 साल में किसान पे इतना अत्याचार नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में, 70 साल में अखिलियत पे इतना अत्याचार नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में, और 70 साल में घमंड भी, अहंकार भी,
इतना नहीं चढ़ा जितना इनकी सरकार में, इसीलिए बीजेपी को जाना होगा और इसीलिए कांग्रेस को दोबारा ये बात है। आपने देखा किस तरीके से किसान आंदोलन एक प्रतीक है, किस तरीके से अहंकार सातवें आसमान पे अहंकार ऐसा। एक साल तक आंदोलन चला किसान आंदोलन, 700 शव इन धरनों से, किसान आंदोलन के धरनों से पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में वापिस आए। मैं संसद में, क्योंकि इतना बड़ा बहुमत ना प्रचंड बहुमत, इस पूरे इलाके से कोई विपक्ष की आवाज नहीं थी, आपने तो इतना इनका साथ दिया, उत्तराखंड हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गुजरात तक, मैं अकेला महसूस करता था, हाथ जोड़ के कहता था कि जी प्रधानमंत्री जी आप किसान की बात मानो, बोले नहीं मानेंगे। फिर हमने कहा किसान को कम से कम किसान मानो, बोले किसान नहीं, ये उपद्रवी है, आतंकवादी, खालिस्तानी, नकली किसान है। मगर वो नकली किसान जब इलेक्शन आए तो सरकार को पता चला कि जो नकली किसान आप जिसको कह रहे हो उनकी वोट असली है, वापस ले लिए तीनों कानून, ले लिए कि नहीं ले लिए। यूपी में इलेक्शन था, पहले चरण का कल मतदान था, मैं बधाई देना चाहता हूँ, लड्डू बंटवा दो, भाजपा साफ हो गई पहले फेज के अंदर, आप पता कर लो उत्तर प्रदेश में। और आपके साथ जिस दिन आपकी वोट पड़ेगी उस दिन दूसरे चरण की वोट पड़ेगी, आए हुए गुर्जर वगैरह बिजनौर से, ये बताएंगे आपको। तो साफ भाजपा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी, लेकिन किसान के मान सम्मान को जो चोट पहुंचाई, जिस तरीके से देश की संसद में मैंने देखा, वहां मैं हाथ जोड़ के कहता था किसान को कम से कम किसान मानो, नहीं तो कम से कम इनको इंसान मानो, दुखी प्रकट कर दो, खड़े होके कोई मंत्री संसदी कोई सांसद आप नहीं तो कोई ये कह दे हम इनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन 700 घर उजड़ गए, 700 घरों के चिराग बुझ गए, हमें दुख है तकलीफ है, ये भी देश के नागरिक, लेकिन इतना घमंड किसी ने खड़े होके संवेदना के दो शब्द भी व्यक्त नहीं किए, और इतना घमंड देश के इतिहास में इतना घमंड किसी सरकार को नहीं हुआ, इतना घमंड कि किसानों के ऊपर लखीमपुर खेड़ी में आपने देखा 8-8 किसानों को रोन दिया एक जीप के नीचे, रोंदा कि नहीं रोंदा मैं पूछना चाहता हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, नहीं रोंदा कि नहीं रोंदा, देश इस बात की गवाही देगा, ऐसी भी सरकार थी, रोन दिया देश के नागरिकों को, इतना घमंड खोपड़ी में, मंत्री जी के नाम से गाड़ी है, उनके लड़के मुख्य आरोपी है। कल पहले फेज की पश्चिम उत्तर प्रदेश की जब वोट पड़ दी तो जमानत भी हो गई, खैर उस लड़के की तो 4 महीने में जमानत हो गई, काश कि वो जो 4 किसान वो भी अपने घर वापस अपने बच्चों के पास अपने बूढ़े माता पिता के पास लौट पाते। लेकिन वोट पड़ ली जमानत होगी। कितना बड़ा घमंड मान सम्मान को कुचला, किसान को ही कुचल दिया, देश के इतना घमंड का सिंहासन इतना ऊंचा हो गया, देश की आवाम दिखने इनको बंद हो चुकी है। मैं आपसे पूछता चाहता हूँ जिन्होंने कुचल दिया देश की जनता के मान सम्मान को, उनके घमंड को आप भी कुचलने का काम इस चुनाव में करोगे कि नहीं करोगे, हाथ उठा कर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इनके घमंड को तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? तोड़ेंगे। तो इनके घमंड को तोड़ने का, भाजपा के घमंड को तोड़ने का आदेश जी, अगर रास्ता जाता है उत्तराखंड में और जसपुर में तो केवल और केवल हाथ के निशान के पंजे पे मोहर लगा के जाता है और कोई रास्ता नहीं जाता, कहीं और वोट जाएगी, एक भी वोट जाएगी तो कहीं ना कहीं वो भाजपा की हमदर्दी में जाएगी, एक वोट भी जाएगी। मैं उदाहरण हरियाणा का देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप कह रहे थे किनारा दे रखा है कितने पार का दे रखा है, 60 पार। हरियाणा में चुनाव हुआ अभी 3 साल पहले, वहां भी नारा दिया हरियाणा विधानसभा चुनाव में, नारा दिया 75 पार, हमारे 90 की विधानसभा है, नारा दिया 75 पार, टीवी चैनल दिखाएंगे, सर्वे दिखाएंगे, ये खड़े टीवी चैनल वाले ये तो ईमानदार हैं, इनके
कुछ मालिक बिक गए हैं, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, सभी नहीं लेकिन कुछ मालिक इनके, आपको पता है क्या नारा था 75 पार का हरियाणा में, टीवी चैनलों ने सर्वे दिखाया 85 पार, लेकिन जिस दिन गिनती हुई लोगों ने 12-1 बजे टेलीविजन सेट खोला देखने के लिए भाई क्या है, तो 12-1 बजे टेलीविजन सेट पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर आगे चल रही थी और भाजपा 38 सीटों पर पीछे चल रही थी, और ऐसे में कुछ पार्टियां ऐसी थी जो हरियाणा में खड़ी हो गई थी कि बीजेपी के को हराएंगे, हमें वोट दो। एक जेजेपी पार्टी करके वहां पार्टी थी, सुना होगा आपने ठीक कह रहे चाबी कह रहे चौबी का चाबी का निशान उसका चुनाव चिन्ह चाबी था उस पार्टी का, बीजेपी को हराएंगे, जैसे यहाँ भी कोई झाड़ू वाला आया हुआ है चुनाव चिन्ह वाला, कोई दूसरे चिन्ह वाला, वहां भी चाबी का चुनाव चिन्ह था बीजेपी को हराएंगे हमें साथ, तो लोगों ने साथ भी किया, उनकी 10 सीट थी, बात चाबी तो असली थी लेकिन ताला चाइनीज था, वो वोट तो ले गए लेकिन ताला खोल के वो सारी वोट बीजेपी के खाते में रातों रात गृह मंत्री जी के घर खाने पे गए, खाने के बाहर मीडिया को बोल के गए ये तो हमने बीजेपी के खिलाफ वोट ले रखी है, लेकिन अगले दिन जब खाने के बाद सुबह जब नींद खुली तो सुबह उठते ही भाजपा सरकार में वहां पे शपथ लेते हुए दिखाई दी, कहने का मतलब है मेरी बात समझ गया, अगर भाजपा के घमंड को तोड़ने का एक रास्ता जाता है उत्तराखंड में तो वो रास्ता हाथ के निशान के पंजे पे जाता है, आदेश जी को आशीर्वाद लेके जाता है, दूसरा रास्ता अगर कहीं जाएगा तो वो भाजपा की मदद करने में जाएगा, दूसरा रास्ता कोई जाएगा तो कहीं ना कहीं भाजपा की मदद करने में जाएगा, मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, हरियाणा में दर्द है, हरियाणा में लोगों ने ज्यादा साथ दिया, ज्यादा समर्थन दिया, इनसे लड़ाई लड़ी हमने, इनकी 75 पार का नारा था, 40 भी नहीं आई बीजेपी की, आधी हो जाती है, यहाँ कितने का नारा दे रहे हैं, 60 अगर दे रहे हैं ना, आधी भी नहीं आई, यहाँ भी आधी नहीं पकड़ेंगे 30 तक तो बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ भी वही काम 25 बैठेंगे, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ आदेश जी इनको हम जानते हैं, लोगों के लिए लड़ने की इनमें क्षमता है, लोगों का मान सम्मान करके चलते हैं इस क्षेत्र के साथ, इन्होंने हमेशा 36 बिरादरी को एक नजर से देखा है, चारों धर्मों को एक नजर से देखा है, सबके साथ न्याय किया है, और इसीलिए इनसे हमें बहुत उम्मीद है, उत्तराखंड में अपनी सरकार बन रही है कांग्रेस पार्टी की निश्चित है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ से आप जिताओगे बड़े बहुमत से, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम इसकी आज मैं आए इसलिए हूँ यहाँ आपके बीच में कि भाई बहती गंगा में मैं भी हाथ बहती गंगा में, लेकिन साथ ही साथ आप से ये भी मैं अपील करने आया हूँ, थोड़ा मार्जिन बढ़ा देना, एमएलए की लड़ाई नहीं है तुम्हारी, एमएलए तो बने हुए हो, सरकार की लड़ाई नहीं है हमारी, सरकार भी बन रही है, लड़ाई ये है कि भाई इस बार जब आदेश जी जाए देहरादून तो जब वापस आए तो दूसरे रूप में वापस आए, आप सबकी सेवा करें, और मैं अपनी ओर से इनको विश्वास दिलाता हूँ भाई साहब जिस दिन सरकार बनेगी पूरी कांग्रेस पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक, भाई अगर आपकी सिफारिश के लिए सबसे पहले कोई आपको पता चलेगा कि भाई आपकी सिफारिश किसने करी है तो भाई वो दिक्कत लेने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ये अंकल ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी वाला पॉइंट रह गया पीछे, अरे कोरोना में ऑक्सीजन की कमी थी ये मान नहीं रहे, ये तो खाद की कमी भी नहीं मान रहे, यही बात है ना, ऑक्सीजन की उतनी कमी थी हार्दिक जितनी डीएपी की यूरिया की कमी थी कि नहीं थी मैं बताना चाहता हूँ, ये तो मानेंगे नहीं, 50 किलो का कट्टा 45 किलो 45 किलो कर दिया,
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों की अगर इजाजत हो तो एमपी साहब को, हार्दिक भाई को, सब लोगों को अगले कार्यक्रम में जाना है, मगर आपका आशीर्वाद और दुआएं लेके ही जाना चाहते हैं। सब लोगों का आशीर्वाद और दुआएं रहेगी तो निश्चित रूप से हम लोग आपका धन्यवाद करने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। हेलो अरे भैया, छोटा तालीम को पंजे के घराटे लगा दो, घराटे हाथी चाहती पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी, और चेहरा पीछे करो भैया, कांग्रेस पार्टी सर, हाथ नीचे भाई साहब, हाथ नीचे भविष्य के लिए काम करे, हमें हमारी बात करनी है। दिल्ली मॉडल को तय करो, ये चार धाम है, आप दिल्ली में हर वार्ड में शराब की दुकानें खोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। चलो चलो हमारा हाथ आया, जो बम लाए गए उन्हें उड़ा दिया जाए, बोल दो। आंधी आई अब करेगी रोशनी का फैसला, आंधी आई अब करेंगी रोशनी का फैसला, पर्ची दिए में जान होगी, वह दिया रह जाएगा, और वो दिया है आदेश सिंह चौहान हमारे, और जमी पे चांद उतरेगा सितारे मुस्कुराएंगे, जमी पे चांद उतरेगा सितारे मुस्कुराएंगे। हमें बेहद खुशी होगी जब 20,000 वोटों से जीत कर आदेश चौहान मंत्री बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और किसी को जमी और किसी को आसमान नहीं मिलता। ये तूफान, ये जनून कांग्रेस का जनून, जनता का जनून, पब्लिक का जनून। जीतेंगे, जिताएंगे, आदेश सिंह चौहान को मंत्री बनाएंगे। और इंसानियत इंसान से होती है, धन दौलत से नहीं, इंसानियत इंसान से होती है, धन दौलत से नहीं, और मंजिल मेहनत से मिलती है, शान और शौकत से नहीं। और वो मेहनत है आदेश सिंह चौहान के रूप में, जो आगे इख्तियार बबलू साहब कुछ अनाउंस कर रहे हैं। सभी साथी बाजार में चले, बाजार का निर्माण है माननीय विधायक जी का, जुलूस की शक्ल में सभी साथी विधायक जी के साथ डोर टू डोर कन्वेंसिंग करनी है मार्केट में, सभी साथी साथ में चले।